तो 17 अप्रैल को मैंने अपना CEH प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया एंड नाउ आई एम अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो क्योंकि मेरे को पता है काफी लोगों को ये एग्जाम देना है, तो काफी लोगों के पास इसका वाउचर पहले से पड़ा है, तो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी काफी लोगों के लिए, काफी लोगों को आगे फ्यूचर में जल्दी CEH देना है। तो इस वीडियो में पूरा डेप्थ में CEH एग्जाम को कवर करने वाले कि CEH प्रैक्टिकल एग्जाम जो है उसकी क्या रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, उसका क्या लेवल आता है, कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, उससे माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस आते हैं, या फिर मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आते हैं और वो आपको कवर करने हैं। उसके अलावा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, काफी लोग कहते हैं लैब होता है नहीं होता, उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये जो एग्जाम है उसकी फीस क्या है, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों को अगर लेना होगा तो हम बात कर लेते हैं। तो देखो एग्जाम का क्या सीन था कि अक्टूबर में, ठीक है, जब मैंने इसको खरीदा था तो उस समय स्कॉलरशिप चल रही थी इसी काउंसिल की तरफ, तो मैंने उसमें पार्ट लिया और मुझे इसका वाउचर मिल गया। तो नॉर्मली जो इसकी कॉस्ट है विदाउट स्कॉलरशिप वो $550 है, अप्रॉक्स 42,000, ठीक है, लेकिन मैंने जब लिया था इसको स्कॉलरशिप में तो मुझे $100 का पड़ा था, लगभग 7,000 के आसपास पड़ा था। और दो साल से वो स्कॉलरशिप लगातार हो रही है, तो आप भी वेट कर सकते हो, अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है अक्टूबर में शायद दोबारा से वो लोग रिलीज करें, दो साल से लगातार कर रहे हैं, तब आप ले सकते हो, ठीक है, वो आपसे फॉर्म वगैरह फिलअप कराएंगे, पूछेंगे और वो देखेंगे कि क्या आप उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, वो सब आपको चेक करेंगे वो लोग। तो मैं अगर आपको एक टॉप सीक्रेट बताऊं तो मैंने अभी तक किसी को रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा है उस स्कॉलरशिप में, वो सबको मिल जाती है, ठीक है, जितने लोगों ने भरा है सबको मिलती है। तो इससे बढ़िया है कि अभी स्पेंड करने से बढ़िया है कि आप वेट कर लो थोड़ा सा टाइम, उसके बाद जब इनकी स्कॉलरशिप चले उसी समय इनका वाउचर ले लो, तो आपको बहुत सस्ते पड़ेगा, $550 की जगह आपको सीधा $100 में देना पड़ेगा, तो बहुत सस्ता पड़ जाता है आप लोगों को। नाउ अब हम सीधा बात करते हैं, ठीक है, मेरे को वाउचर मिल जाता है, उसके बाद में बात करते हैं आपको जब वाउचर मिल जाता है तो आपको क्या काम करना होता है, अपने एग्जाम को स्केड्यूल कराना पड़ता है। जब स्केड्यूल की बारी आई तो मेरे में सारे स्लॉट्स फुल थे, मतलब पूरे एक साल तक इनकी बुकिंग थी और वाउचर एक साल बाद एक्सपायर हो जाता है, आप एक साल के अंदर कभी भी पेपर दे सकते हो, मेरे में सारा फुल था। तो आप डायरेक्टली उनको मेल कर सकते हो, तो मैंने उनको मेल कर दी कि भाई मेरे को इस डेट में चाहिए और इस टाइम के आसपास मुझे दे दो, ठीक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे तो कोई नहीं दिखा रहा, वहां सारे फुल है, तो आप अपनी तरफ से अगर कुछ कर पाओ, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बुक कर दिया वो टाइम, तो मैंने चूज करा था 17 अप्रैल रात के 2 बजे मेरा पेपर स्टार्ट, ठीक है। अब रात के 2 बजे मैंने जान के करा था क्योंकि मेरा दिमाग रात को ज्यादा चलता है, ठीक है, एकदम से खुल जाता है, तो दिन में मेरा दिमाग ज्यादा काम नहीं करता, तो इस चक्कर में मैंने रात को अपना पेपर स्केड्यूल करा था, ठीक है। लेकिन जो पेपर का टाइमिंग आपको स्केड्यूल करना होता है वो EST के हिसाब से करना होता है, यानी कि ईस्टर्न टाइम जो US में चलता है, ठीक है, हमारे इंडियन के हिसाब से वो 17 तारीख थी रात के 2 बजे, लेकिन अमेरिकन टाइम के EST के हिसाब से वो 16 तारीख थी, यानी उनका एक दिन पीछे चलता है, तो 16 तारीख थी उनके दिन के 4:30 बजे मैंने पेपर रखवाया था, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना कि जब भी आप पेपर स्केड्यूल करा रहे हो तो उसमें ध्यान से पढ़ लेना कि EST लिखा है, टाइम क्या गया IST, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना, IST इंडियन टाइम, EST ईस्टर्न टाइम, US वाला टाइम। अब हम चलते हैं पेपर से सीधा 15-20 मिनट पहले, तो 15-20 मिनट पहले आपको एक मेल आती है, जब पेपर स्टार्ट होने वाला उससे 15-20 मिनट पहले आपको मेल आई, उस मेल में एक गो टू मीटिंग ऐप होता है, जैसे जूम है, गूगल मीट है, उसी टाइप का एक गो टू मीटिंग ऐप है, उसका लिंक आता है, उसी में आपको ज्वाइन करना होता है, शेयर स्क्रीन वगैरह करनी होती है। तो अगर मैं आपको टिप दूं तो पेपर से पहले ही आप गो टू मीटिंग ऐप को डाउनलोड करके रख लो, उस टाइम पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जैसे मुझे पता नहीं था कि गो टू मीटिंग ऐप यूज करते हैं वो लोग, तो मेरे को उस टाइम डाउनलोड करना पड़ा, फिर आप इंटरफेस देखते हो कहां से स्क्रीन शेयरिंग होती है वो सब, तो पहले से करके रखोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा पेपर के टाइम। उसके बाद जब आप अपनी स्क्रीन वगैरह शेयर कर लेते हो, फिर वो आपको जो प्रॉक्टर होता है सामने जो देख रहा होता है वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्शन देता है नॉर्मल कि कैसे कैसे करना है पेपर को पूरा, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। उसके बाद चेक करता है आपका पूरा रूम, कैमरा घुमाएगा, पूरा रूम चेक करेगा कि भाई कोई है तो नहीं आपके रूम में, कोई होना नहीं चाहिए, किसी से बात नहीं कर रहे हो, ये सब होना नॉर्मल होता है। उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, आप नॉर्मल अपना पेपर देते हो, पेपर 6 आवर्स का होता है, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे लैब्स दी होती है आपको। उसमें क्या होता है, मेरे जो एनवायरमेंट था मुझे पता नहीं कि सब में यही होता है, मेरे में क्या था कि 2 मशीन आई थी, अटैकर को 2 मशीन दी जाती है, एक विंडोज एक लिनक्स, आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो साथ साथ, आपकी मर्जी होगी, ठीक है। और जो अटैक करने वाली मशीन थी, जो नेटवर्क था मेरा, उसके अंदर 4 मशीन थी जिनपे मेरे को अटैक करना था, ठीक है, 2 लिनक्स 2 विंडोज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे, ब्राउजर बेस्ड था और बिल्कुल लैग नहीं मारता, ठीक है, ऐसा एक बार भी नहीं हो कि मुझे लगा हो कि वो लैग मारता है, तो लैग कहीं नहीं मारेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। मेरा जो कनेक्शन था मैं बता देता हूं, तो मेरे पास एयरटेल एक्सट्रीम है जिसमें मैंने 40 Mbps वाला जो प्लान है वो ले रखा है, 40 Mbps के थोड़ा ज्यादा ही देता है एयरटेल, ठीक है, पहला ऐसा मुझे दिखा है, जो जितना आप प्लान लेते हो उससे ज्यादा देता है, तो अगर आप स्पीड चेक करते हैं उसकी fast.com पे तो 42-43 Mbps दिखाता था, तो मेरी इतनी स्पीड थी, तो उसमें मेरे को बिल्कुल लैग, बाकी का मैं बता नहीं सकता। और बात करूं अगर एग्जाम का लेवल क्या था, मतलब मैं उसको कैसे कंसिडर करूंगा कि हार्ड है, मीडियम है, बिगनर फ्रेंडली है,
तो मैं उसको इंटरमीडिएट और बिगनर फ्रेंडली के बीच में मैं बोलूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है, आपको लिनक्स आता है, बेसिक नेटवर्किंग आती है और आप चलती है, तो ऐसा नहीं है। आपको जो बेसिक्स है, मेटास्प्लॉइट एंड मैप, जो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एसएमबी पता होना चाहिए, एफटीपी, जो नॉर्मली हम बॉक्सेस में करते हैं, आपने ट्रायक में, हैक द बॉक्स में अगर देखा हो, तो जो बॉक्सेस में हम करते हैं ना, उस टाइप से कुछ आता है कि आपको, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि फ्लैग निकाल के लाना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मशीन को प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, वो सब नहीं करना। बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि भाई एफटीपी के अंदर फ्लैग रखा है, एफटीपी को ब्रूट फोर्स करो और फ्लैग निकाल के लाओ, इस टाइप से बेसिक बेसिक पूरा इंस्ट्रक्ट कर रखा होता है काम आपको करना। आपको पता होना चाहिए हाइड्रा कैसे यूज करते हैं, वो सब बेसिक, वर्ड लिस्ट वगैरह सब गिवन होती है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी कि रॉकी यूज करना है, वो सब आपको गिवन होगा, सारे टूल्स इंस्टॉल्ड होते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी उसके बाद, ठीक है। और अगर आपको नेट भी यूज करना है, इंटरनेट आप यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, चाहे उनकी मशीन पे यूज करो, वहां पे भी इंटरनेट होता है, अपनी मशीन पे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी टूल यूज कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं। नाउ अब आते हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, जब मैंने ट्विटर पे इसके बारे में ट्वीट करा था, तो मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों ने पूछा है रिसोर्सेज, आप क्या रिकमेंड करोगे लोगों को, कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, या मैंने क्या तैयारी करी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मैं अपना पर्सनल बोलूँ तो मैंने कोई तैयारी नहीं करी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम से पढ़ रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी, और ये एक बिगनर लेवल सर्टिफिकेट माना जाता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मैं एक टेस्ट करूंगा अपनी नॉलेज, कि मैंने अब तक जितना पढ़ा है क्या मैं उसके बेस पे पेपर को निकाल सकता हूँ, मैंने निकाल दिया, तो इसलिए मैंने इसके लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा। मेरे को बस टेस्ट करना था कि इतने टाइम से जो पढ़ रहा हूँ क्या मैं उसे अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो आप भी अगर आपको लगता है कि आप काफी अच्छे से कॉन्फिडेंट हो, तभी कर लो, फेल हो गए तो दोबारा बढ़ना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया कि रिस्क मत लेना। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, तो आप इसके लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो ट्रायक्मी में कर सकते हो, ठीक है। बस ये याद रखना, ट्रायक्मी बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली, मैं नहीं कहूंगा कि आप सोच रहे हो कुछ नहीं आता मैं सीधा ट्रायक्मी में जम कर जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आपको बेसिक्स तो ट्रायक्मी में भी पता होना चाहिए ना। हम बात करते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस की, अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ सैंपल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जिस टाइप के पेपर में आते हैं, तो देखो पेपर में सबसे पहली बात तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, और सबमिट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें हम फ्लैग सबमिट करते हैं ना, मान लो कुछ आपसे चीज मांगी कि भाई हैश दे दिया, हैश क्रैक करके लाओ और इसको यहाँ पे सबमिट करो जो इसका क्रैक करके आया है, है ना। इस टाइप की भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं। लाइक मल्टीपल चॉइस कैसे आएंगे कि भाई आपको एक नेटवर्क दे दिया, उस नेटवर्क के अंदर जो भी आपका नेटवर्क है जिसमें सारी अटैकर मशीन और टारगेट मशीन होगी, उसके अंदर वो पूछ लेंगे भाई इसके अंदर एक विंडोज सर्वर रन कर रहा है, उसका हमें वर्जन बताओ। और क्योंकि मैंने आपको बोला इसमें दो विंडोज सर्वर रन कर रहे थे, तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसमें आपको वो थोड़ा सा और डिटेल दे देंगे, लाइक कि इसमें एक वेबसाइट रन कर रही है, एफटीपी सर्वर रन कर रहा है, ठीक है, और जो इसमें वेबसाइट रन कर रही है उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन है, उसका जो डेटाबेस है वो MySQL है, थोड़ा सा लेंथी कर देंगे ताकि आपको कंसिडर करने के लिए इजी हो जाए कि इन दोनों में से कौन सी, आपको ये समझने के लिए इजी हो जाए, ठीक है। और सेकंड, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो डोंट ट्रस्ट एनमैप 100%, आप ट्रस्ट कर सकते हो लेकिन 100% नहीं, आपको एक चांस लेके चलना है कि वो गलत भी हो सकता है। तो क्योंकि मेरे में एक मशीन के सही दिखाया उसने बिल्कुल सही, एक मशीन का जो वर्जन था वो गलत दिखा रहा था, तो एक विंडोज सर्वर 2019 थी उसको विंडोज 10 दिखा रहा था, ठीक है, और जो दूसरी मशीन थी उसको सही दिखा रहा था। तो बिल्कुल आप 100% भरोसा मत करो, अगर आपको अगर श्योरिटी नहीं है आगे कंटिन्यू कर जाओ, आगे चल के ऐसा हो सकता है कि आपको उसके क्रेडेंशियल दी जाए उस मशीन के, तो आप लॉग इन करके उसमें सिस्टम इन्फो कमांड चला सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा वायरशार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई कि इस जने ने एफटीपी में या एचटीटीपी किसी वेबसाइट में लॉग इन करा है और क्रेडेंशियल्स जो है इस फाइल के अंदर है, आप ढूंढ के निकालो, आपको PKPNG फाइल दे देंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन, हैश क्रैकिंग का जैसे मैंने बताया वो आ सकता है, ठीक है, या फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे, बोलेंगे इस मशीन के अंदर RDP करो तो उसके अंदर एक हिडन फाइल है उसके अंदर से निकाल के, इस टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन आपको आपके वही मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको ये सब समझ आना चाहिए कि ये सब काम कैसे करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मैं बताता हूँ वायरशार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्रिप्टो आपको समझ आनी चाहिए, हैश क्रैकिंग हो गई, Base64 क्या होता है, ठीक है, बेसिक बेसिक आपको DES के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। उसके अलावा एनमैप इंपॉर्टेंट है और SQL इंजेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफटीपी में कैसे लॉग इन करते हैं, एनोनिमस लॉग इन वगैरह, वो सब थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक जो है वो सब इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा टूल इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कवर कर लेना, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सो आई होप आपको थोड़ी ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको क्लियर हुआ हो माइंड में किस टाइप के क्वेश्चन आने, अगर आपके डाउट्स थे और अभी भी डाउट्स है तो आप मैसेज करके जरूर पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं जरूर आपको बता दूंगा कि अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।